ओम शांति। अगर हम चाहते हैं कि पूरा दिन हमारा शक्तिशाली बीते, बाबा की याद बनी रहे और माया से भी बचे रहे, हर कार्य में हमें सफलता मिले और चेहरा भी सदा हर्षित रहे, इसके लिए हमें अपने मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट करना होगा, कुछ स्वमान लेने होंगे। अगर दिन भर बीच बीच में हम स्वमानों का अभ्यास करते रहें, तो इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली और एक रस सहज ही बनती जाएगी। बाबा ने कहा है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। शिव बाबा द्वारा हमें अनेकानेक स्वमान मिले हुए हैं, लेकिन हम पहले सिर्फ 5 पावरफुल स्वमानों का अभ्यास करेंगे। जैसे मैं मास्टर परम पवित्र हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं आत्मा माया जीत हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं और मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। इन 5 स्वमानों का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि सफलता मूर्त बने, तो उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन यानी पवित्रता की धारणा होना अत्यंत आवश्यक है। जहां पवित्रता है वहां शक्ति स्वतः है, अर्थात जो आत्मा जितनी पवित्र उतनी ही शक्तिशाली, और जो आत्मा शक्तिशाली है माया उसका सामना नहीं कर सकती। वह माया के हर वार को जीतकर माया जीत बन जाता है। जो माया जीत होगा उसके पास कभी कोई विघ्न आ नहीं सकता। वह आत्मा विघ्न जीत विघ्न विनाशक बन जाती है। और लास्ट, जिसने विघ्नों को जीत लिया, जिसके सामने कभी कोई विघ्न ठहर ना सके, उस आत्मा की हर कार्य में जीत निश्चित है। वह सदा सफलता मूर्त है। इसलिए हमें इन 5 स्वमानों को सदा स्मृति में रखना चाहिए और निरंतर इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आज से हम एक एक करके इन 5 स्वमानों का अभ्यास करेंगे। तो आइए अपने परम पवित्र स्वरूप को आज इमर्ज कर लें, अपने सत्य स्वरूप पवित्र रूप का अनुभव करें। सबसे पहले स्वयं को यह स्मृति दिलाएं कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। अंतरात्मा कहती है, मैं परम पवित्र परम पिता शिव बाबा की संतान हूं। अपने पारलौकिक पिता के समान मैं आत्मा भी पवित्र स्वरूप हूं। मेरा आदि और अनादि रूप पवित्र है। मैं मास्टर परम पवित्र हूं।
अब कुछ पल के लिए इस वमन को मन ही मन दोहराएं। साथ साथ अपने शरीर व आत्मा दोनों की बाबा की पवित्र किरणों द्वारा स्कैनिंग करते रहें। ऐसा महसूस करें जैसे इन पवित्र किरणों से हमारे अंदर छिपी हुई विकारों की कालिमा, विकारों की खाद धीरे धीरे निकल रही है और मेरा स्वरूप निखरता जा रहा है, चमकता जा रहा है। बाबा का पवित्र प्रकाश मेरे ऊपर निरंतर बरसने से मेरा स्वरूप कुंदन के समान दमक उठा है। जगमगा रहा है। ऐसी प्रकाश में स्थिति में स्वयं को फील करें। यह पवित्रता ही मेरा निजी गुण है, मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा की सर्वोत्तम धारणा यह पवित्रता ही है। यही मेरा रूहानी श्रृंगार है। चारों युगों में मेरी पवित्रता की ही महानता रही है। तीनों कालों में मुझ आत्मा का यशोगान इस प्योरिटी के कारण हुआ है। सारी मान्यता पवित्रता की है। इसकी बदौलत ही मैं आत्मा परम पूज्य और गायन योग्य बनती हूं। याद करें उस स्वर्णिम घड़ी को जब मैं आत्मा अपने घर परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर आई थी। उस स्वर्गिक दुनिया में मैं आत्मा संपूर्ण पावन थी। मैंने 2500 वर्ष तक पूर्ण रूप से पवित्र रहकर पाठ बजाया। मैं आत्मा वहां सच्चा बेदाग हीरा थी, फ्लॉलेस डायमंड के समान संपूर्ण निर्विकारी। मेरे अंदर
वहां विकारों का अंश मात्र भी नहीं था। अभी उस देवताई स्वरूप का, उस पवित्र स्वरूप का अपने मानस पटल पर, मन बुद्धि की स्क्रीन पर चित्र बनाएं। देखो कैसा दिव्य आकर्षक रूप था हमारा, कितना तेज था चेहरे पर। अंग अंग से शीतलता और कितनी पवित्रता झलक रही है। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग में इस पवित्रता के आधार पर ही मेरे यादगार चित्र बने और विधि पूर्वक हमारी पूजा हुई। हम पवित्र आत्माओं के लिए यह कितनी गौरव की बात है, कितनी अहमियत रखती है ये बात कि आज दिन तक भी कोई भक्त हमारे यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच भी नहीं कर सकता। अगर कोई अस्वच्छ या पतित है तो उसके द्वारा चित्रों को छूना पाप समझा जाता है। जरा विचार करो, हमारे जड़ चित्रों के प्रति भी कितना आदर भाव और कितना सम्मान है। क्या यह सुनकर नशा नहीं चढ़ जाता, खुशी में रोमांच नहीं खड़े हो जाते? हे आत्मन, जरा सोचो तो कितना महत्व है इस पवित्रता का।
आज कलयुग के अंत समय में भी भक्त लोग जब कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो हमारी आराधना में उस दिन खास पवित्रता के नियम का पालन अवश्य करते हैं, भले ही अल्पकाल के लिए करते लेकिन यथाशक्ति यथासंभव करते तो है ना। भक्तों के लिए अल्पकाल का और हम संगमयुगी ब्राह्मण आत्माओं के लिए ये सदाकाल का व्रत है। हमारी पवित्रता अखंड है, ये हमारा संकल्प अटूट है। माया का कैसा भी मोहिनी रूप हमारी पवित्रता को कभी खंडित नहीं कर सकता। ये पवित्रता ही मेरी शक्ति है, मेरी संपत्ति है। इसी की वजह से मेरी कीमत है। पूरा कल्प गायन योग्य और पूजन योग्य बनने का एकमात्र आधार यही है। इस पवित्रता के बल पर ही तीनों कालों में मुझ आत्मा की कीर्ति का यशोगान हुआ है। मेरे परम प्रिय परम पवित्र शिव बाबा की पहली श्रीमत यही है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। यह स्लोगन ही महान आत्मा बनने का आधार है। हमें पावन बनना और सबको पावन बनाना है, यही संदेश सबको देना है।
साथ ही अखिलेश है पावन बने, पावन बने बच्चे सभी, बाबा का ये संदेश है। बदलेंगे हम बदले सभी, बदले इस संगम युग पर परम पवित्र शिव बाबा ने मुझे इस बात से अवगत करा दिया है कि सभी दुखों का मूल कारण अपवित्रता है, जबकि यह पवित्रता सभी सुखों की जननी है। जीवन में सुख शांति स्थापित करने की ये आधारशिला है। यह पवित्रता ही हम आत्माओं के लिए जिया दान है। पवित्र बनना अर्थात पुण्य आत्मा बनना, यह ईश्वरीय महावाक्य आज आत्मा के अंदर सदा काल के लिए संरक्षित कर दें कि अपवित्रता तो आत्मघात के समान है। बाबा ने कहा है, विकार में गिरना पांच मंजिल से गिरने के बराबर है। यह ऐसी कामाग्नि है जो हमारे द्वारा किए गए सभी श्रेष्ठ कर्मों को, पुण्य कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। सारी की कमाई चट कर देती है। बार बार स्वयं को यह स्वमान देते रहें, मैं आत्मा पवित्र थी, पवित्र हूं और सदा सदा के लिए मुझे पवित्र रहना ही है। ये स्मृति रहे कि ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी इस पवित्रता के आधार पर ही मिलेंगे।
और आज साकार मुरली में कहे गए उन महावाक्यों को भी याद करें जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे क्या मेरी खातिर एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते। तुम्हें इस ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखनी है। फॉर माय सेक इस अंतिम जन्म पवित्र बनो। बस कुछ दिनों की ही बात है, फिर तुमको मेरे साथ वापस घर चलना है। संपूर्ण पवित्र बनो ताकि धर्मराज के सामने तुम्हें सिर ना झुकाना पड़े, कोई सजा ना खानी पड़े। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अगर तुम पवित्र बनेंगे तो बाबा तुम्हें नैनों पर बिठा कर ले जाएंगे, पहले घर ले जाएंगे और फिर तुमको पवित्र दुनिया स्वर्ग में भेज देंगे। कितने महान हैं हम, कितना विशेष पार्ट है हमारा इस ड्रामा के अंदर। सृष्टि की आदि, मध्य और अंत में तीनों ही कालों में हमारी पवित्रता का वजूद भिन्न भिन्न रूपों से कायम रहा है। तो आओ आज हम प्रतिज्ञा करें कि प्यारे बाबा, हम सदा मन, वचन और कर्म से पवित्र रहेंगे। संबंध संपर्क में भी सदा भाई भाई की आत्मिक दृष्टि रखेंगे और अपनी पवित्रता पर कभी कोई दाग नहीं लगने देंगे। मीठे बाबा, संकल्प तो क्या, हम स्वप्न में भी पवित्रता का पालन जरूर करेंगे। और आज से पहले जाने अनजाने हमसे जो भूले हुई हैं, चाहे दृष्टि वृत्ति द्वारा या संकल्प स्वप्न में या कोई आत्मा के संबंध संपर्क में आने से, अगर किसी ईश्वरीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ है तो उसके लिए मीठे बाबा, हम आपसे क्षमा मांगते हैं
ओ क्षमा के सागर बाबा, दयानिधि शिव बाबा, हमें माफ करना, हमें क्षमा करना, यह बात हमें सदा याद रखनी चाहिए कि हमारा सबका प्यारा शिव बाबा 5000 वर्ष के बाद फिर से आया है हमें पावन बनाने। यह सुनहरा अवसर इस कल्प में फिर दोबारा नहीं मिलेगा।
ये पावन बनने का नजारा कल्प में एक ही बार आता है। तो विकारों के पीछे इस सुअवसर को खोना नहीं है।
शांति। जो भाई बहने आज अमृत वेला योग में देरी से आए हैं, वह कल से सही 4 बजे या उससे पहले ही लाइव आने का प्रयास करें, ताकि आप योग में सही अनुभूति कर सकें। और आप यह जरूर सुने कि अगले 5 दिनों तक किस विषय पर योग चलने वाला है। शिव बाबा द्वारा हमें अनेकानेक स्वमान मिले हुए हैं, लेकिन हम पहले सिर्फ 5 पावरफुल स्वमानों का अभ्यास करेंगे। जैसे मैं मास्टर परम पवित्र हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं आत्मा माया जीत हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं और मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। इन 5 स्वमानों का एक दूसरे के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे मान लो हम चाहते हैं कि सफलता मूर्त बने, तो उसके लिए सबसे पहले ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन यानी पवित्रता की धारणा होना अत्यंत आवश्यक है। जहां पवित्रता है वहां शक्ति स्वतः है, अर्थात जो आत्मा जितनी पवित्र उतनी शक्तिशाली, और जो आत्मा शक्तिशाली है माया उसका सामना नहीं कर सकती। वह माया के हर वार को जीतकर माया जीत बन जाता है। जो माया जीत होगा उसके पास कभी कोई विघ्न आ नहीं सकता। वह आत्मा विघ्न जीत विघ्न विनाशक बन जाती है। और लास्ट जिसने विघ्नों को जीत लिया, जिसके सामने कभी कोई विघ्न ठहर ना सके, उस आत्मा की हर कार्य में जीत निश्चित है। वह सदा सफलता मूर्त है। इसलिए हमें इन 5 स्वमानों को सदा स्मृति में रखना चाहिए और निरंतर इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो आज से हम एक एक करके इन 5 स्वमानों का अभ्यास करेंगे।